हम ये मैच देखने वाले हैं अगला टीडीएम का 52E स्पोर्ट्स वर्सेस टीम एएससी स्पोर्ट्स का होने वाला है, और यहां से जीतकर टीम राउंड जो अगला राउंड है राउंड 3 उसमें अपनी जगह बना लेगी। जो टीम हार जाएगी वो बाहर हो जाएगी सारे कॉम्पिटिशन से, और ये राउंड 2 ये काफी मजेदार होने वाला है। जी बिल्कुल, और ज्यादा इंतजार आपको नहीं करवाएंगे, चलेंगे इस हमारे टीडीएम के ही राउंड 2 की जानिब और देखते हैं 52 ईस्पोर्ट्स और टीम एएससी ईस्पोर्ट्स के माबेन किस तरह का जो मैच है वो हमें देखने को मिलता है। सो एक जानिब मौजूद है 52 ईस्पोर्ट्स के छोटू हसन सलमान ट्रिपल लाइन, तो और चौथे प्लेयर के तौर पर हमें पीकी ब्लाइंडर दिखाई दे रहे हैं। उसके मुकाबले में टीम एएससी ईस्पोर्ट्स की अगर हम बात करें तो खान है, मिथ है, उसके अलावा हसनी एंड ऑब्वियसली एक चौथा एक और खिलाड़ी है जो कि हमें टीम एएससी ईस्पोर्ट्स के साथ प्ले करते हुए दिखाई देता है। लेकिन फिलहाल टैबी विल बी दैट गाय जो कि इस मैच के अंदर हमें प्ले करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन थ्रोएबल्स है जिनको हमने पहले भी बहुत ही ज्यादा एक कलीदी किरदार अदा करते हुए देखा है टीम के किल्स पॉइंट से निकालने के अंदर। देखते हैं इस दफा किस तरह से टीम उस चीज का इस्तेमाल करती है, क्योंकि आगाज एक नेट से किया गया एक टीम की जानिब से, और पहला पॉइंट टीम एएससी स्पोर्ट्स अपने नाम कर जाती है 52 ईस्पोर्ट्स के प्लेयर को गिरा के। लेकिन पीकी ब्लाइंडर शायद वो खुद अभी ब्लाइंड है और उनको कुछ जो उनका फायर यहाँ तो कनेक्ट नहीं करा, कुछ ग्लिच हो चुका था जिसकी वजह से खुद को वो नेड करते हैं, दोबारा अपना वेपन अब निकालेंगे और हमें मजीद आगे भी बढ़ता हुआ प्लेयर दिखाई दे जाएगा। लेकिन मिथ वो आगे बढ़ते हुए सेंटर से, और मिथ का फायर कोशिश की गई कि शायद वो छोटू को गिरा दे, शायद उनकी तरफ से जो फायर है वो कनेक्ट कर जाए, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा होता नहीं और फाइनली वो कल टीम 52 ईस्पोर्ट्स अगेंस्ट टीम एएससी स्पोर्ट्स हमें कंफर्म करते हुए दिखाई देते हैं। यके बाद दिग्रे किल्स कंफर्म किए जा रहे हैं, लेकिन 52 ईस्पोर्ट्स फिलहाल अपने किल्स ज्यादा लेकर जा रही है, 5 किल्स 52 ईस्पोर्ट्स के, उसके मुकाबले में एएससी स्पोर्ट्स के सिर्फ 2 किल्स और एक और नेड टीम एएससी स्पोर्ट्स के खान का। लेकिन इस दौरान नेड से तो किल वो नहीं कंफर्म कर पाते, लेकिन जो फायर है ये जो ग्रोजा फैक्टर है ये जरूर वर्कआउट कर रहे हैं। खान किल्स निकाल रहे हैं, किलिंग मशीन बन चुके हैं और बैक टू बैक अब इनके पास 5 कुल किल्स हैं इनकी टीम के, 3 किल्स खान के पास मौजूद। जी बिल्कुल, और काफी शानदार आगाज दोनों ही टीमों का 52 ईस्पोर्ट्स एएससी स्पोर्ट्स अभी के लिए आगे बढ़ रहे हैं, और 3 एलिमिनेशन पॉइंट्स का डिफरेंस है और 3 ही अदाद अब कंफर्म करना है 52 ईस्पोर्ट्स को। शानदार एक दूसरे के शाना बशाना आकर खेलती हुई दोनों की दोनों टीमें, एक अच्छी फॉर्मेशन है जो कि मुझे एएससी स्पोर्ट्स की तरफ से देखने को मिल रही है। वहीं पर टीम 52 के प्लेयर्स वो एक साथ आने की कोशिश कर रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि यार एक यूनिट बनकर खेला जाए। मिथी की तरफ से अपना नोवा एलिमिनेशन पॉइंट कंफर्म किया जाएगा, नोवा पॉइंट अपनी टीम के लिए वो कंट्रीब्यूट करेंगे, और 10 पर चली गई टीम एएससी स्पोर्ट्स के प्लेयर्स। जी हाँ, और 10 से भी 11 पर हमारे बात करते ही करते, और 52 ईस्पोर्ट्स भी खैर अपने एक पॉइंट शायद बढ़ा चुकी है, उनकी तरफ से भी 6 पॉइंट्स पर लेके आया जा चुके हैं खुद को। और अब जाकर अगर हम वाजे तौर पे बात करें तो टीम एएससी ईस्पोर्ट्स ने जो पलड़ा अपना भारी किया है ये ज्यादा दूर की बात नहीं है, बल्कि कुछ ही देर पहले जब मैच का आगाज हुआ था तो हमने वाजे तौर पर देखा था कि 52 ईस्पोर्ट्स ज्यादा आगे थी, टीम एएससी ईस्पोर्ट्स थोड़ा पीछे रह गई थी। लेकिन उसके बाद फिर हालात बराबर होते हैं, टीम एएससी ईस्पोर्ट्स डोमिनेट करना स्टार्ट करती है और देखते ही देखते अब तो लीड है वो इनफैक्ट 5 पॉइंट्स की बन चुकी है। सो खैर 52 ईस्पोर्ट्स बेबस होते हुए, 52 ईस्पोर्ट्स के प्लेयर्स कुछ नहीं कर पा रहे हैं, सेंट से थ्रोएबल्स भी जा रहे हैं कनेक्ट कर रहे हैं, फायर जा रहे हैं वो भी कनेक्ट कर रहे हैं, और टीम एएससी ईस्पोर्ट्स पॉइंट्स पे पॉइंट्स कंफर्म करती चले जा रही है। 15 बामुकाबला 9 52 ईस्पोर्ट्स अब थोड़ा डिफेंसिव होते हुए पिछली साइड पिछली जगहों पर ही प्लेयर्स रुक के अब खेलना चाह रहे हैं। जी बिल्कुल पोर्टल, और एएससी स्पोर्ट्स अभी वो काफी ज्यादा आगे ही निकल चुके हैं, काफी अच्छे तरीके से उन्होंने ये लीड पकड़ी इस मैच की, और मिथी फाइनली टीम 52 ईस्पोर्ट्स अपने लिए 2 पॉइंट्स कंफर्म कर लेती है और अब सिर्फ 4 पॉइंट्स की दूरी है। हालांकि इससे कहीं ज्यादा का डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा था, लेकिन एएससी स्पोर्ट्स वो जान मार रहे हैं अपनी, वो लिटरली वो जीतना चाहते हैं, वो फाइनलिस्ट बनना चाहते हैं, और वो जज्बा मुझे देखने को मिल रहा है। लेकिन 52 ईस्पोर्ट्स उनको थोड़ा सा रीसेट करना है, उनको एक एक कर अपने पॉइंट्स नहीं गंवाने, एक साथ रहकर एक दूसरे को कवर देकर उनको खेलना पड़ेगा। लेकिन दे आर गोइंग ऑल राइट टू, मेरे ख्याल से अभी भी काफी चेजेबल हैं ये पॉइंट्स। 14v19 का कंपटीशन चल रहा है, टीम एएससी स्पोर्ट्स यहां से जो आगे जाएगा उसका सामना अगले राउंड में होगा राउंड 3 में, और जो बाहर हो जाएगा बस वो बाहर हो जाएगा, फिर अगर अगले पीएमटीएल में कोई हुआ टीडीएम तो शायद अपनी जगह बना पाए। लेकिन खैर अभी के लिए ये काफी एक अच्छा कॉम्पिटिशन है, और इसका फाइनल मैं देखना चाहता हूँ यार, फाइनल्स में अपनी जगह कौन सी 2 टीमें बना पाती हैं, ये कॉम्पिटिशन एक सस्पेंस जरूर है। लेकिन अभी के लिए 22 पॉइंट्स पर टीम एएससी स्पोर्ट्स जा चुकी है। जी हाँ, और कंपटीशन जहां पर हम बात कर ही रहे हैं तो फिलहाल कंपटीशन दिया जा रहा है टीम एएससी स्पोर्ट्स की जानिब से टीम 52 ईस्पोर्ट्स को, जिसमें हमें टीम एएससी स्पोर्ट्स के अगेंस्ट 52 ईस्पोर्ट्स बहुत पीछे दिखाई दे रही है और कंपटीशन इनको बहुत ज्यादा अभी मेहनत करने की जरूरत है। लेकिन खैर एएससी स्पोर्ट्स के हसनी एक और किल कंफर्म करते हैं, और अगर हम आदाद की बात कर ही रहे हैं तो आप किल्स देखें खान के,
25 कुल किल्स निकाले उनकी टीम ने, और सिर्फ अकेले खान नहीं 11 किल्स निकाल कर रखे हुए, जिसके मुकाबले में हसनी के सिर्फ 5 हैं, 4 टैबी के हैं, और आपको 5 ही कुल जो है बाकी एक और पे मिथ जो उनके देखने को मिलते हैं। लेकिन खैर T52 स्पोर्ट्स इस दौरान एक किल कंफर्म करते हुए छोटू अपना एफर्ट यहां पर डाल रहे हैं, लेकिन पीकी ब्रांडर स्ट्रगल कर रहे हैं। इनको हमने मैच के आगाज से ही देखा है कि शुरुआत में ये आगे निकल कर नहीं गए थे, उसके बाद अब आगे निकल कर जा रहे हैं तो स्टक हो रहे हैं, कहीं ना कहीं रुक जाते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं। सो ही स्ट्रगलिंग, और ये शायद एक फैक्टर है जो कि T52 स्पोर्ट्स के अगेंस्ट में उनको ही जो है फायर बैक करता हुआ दिखाई दे रहे हैं। लेकिन खैर खान फ्रॉम AS वो जरूर किल कन्फर्म कर सकते हैं, लेकिन बदकिस्मती से T52 स्पोर्ट्स के खिलाड़ी उनके गिर्द घेरा तंग करते हैं, और इस दौरान पॉइंट टीम ASE स्पोर्ट्स के खिलाफ निकाल लिया जाएगा। लेकिन खान टैबी वॉज दैट गाय जो कि बेहतरीन 1v2 कर जाते हैं जगह पर। जी बिल्कुल, TDM everything depends on formation, utilities काफी key role play कर सकती हैं, जो कि 52 के players मुझे ज़्यादा इस्तेमाल करते देखने को नहीं मिल रहे हैं, लेकिन still they need to make a comeback क्योंकि 32 points already confirm हो चुके हैं team ASE sports के players की तरफ से। अब आया grenade, अच्छा grenade था, काफी low भी करेगा, एक और फेंका जाता है, मुझे ऐसे लगता है कभी-कभी बातें सुन लेते हैं मेरी ये, लेकिन खैर सलमान को पिक ऑफ कर लेते हैं, मिथी अपने elimination points में इजाफा, अपने तादाद में इजाफा करते हैं, हसन को भी पिक ऑफ कर लिया जाता है हसनी की तरफ से, और मुस्कुराते मुस्कुराते एलिमिनेशन पॉइंट्स निकाल रहे हैं प्लेयर्स, 36 है सिर्फ 4 पॉइंट्स, और इस मैच में जीत जाएंगे, अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे टीम ASE स्पोर्ट्स। अभी के लिए 37v27 क्लियरली 10 पॉइंट्स का ये डिफरेंस है, 2 और पॉइंट्स और कंफर्म राउंड 3 में अपनी जगह बना लेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सस्पेंस बाकी रखना चाहती है टीम 52 esports, वो आखिरी पॉइंट तक लड़ना चाहते हैं और वो लड़ भी रहे हैं, लेकिन 39 पॉइंट्स और 40 भी हो चुके और टीम ASE स्पोर्ट्स अगले राउंड के लिए क्वालिफाई भी कर गए। जी हाँ, और अब हमें देखना पड़ेगा कि किस तरह से जो बाकी टीम्स हैं क्या किसी के खिलाफ इनका मुकाबला है, या पहली ये टीम है जो कि क्वालिफाई करके गई है। सो प्रोबेबली फर्स्ट टीम है जो कि राउंड 3 में हमें क्वालिफाई करके जाते हुए दिखाई दी आफ्टर द फर्स्ट मैच, जो कि पहले बन चुका था राउंड 3 का टीम एक और एक्साइट और टीम टफ के दरमियान। सो टीम ASE स्पोर्ट्स यहाँ तो अब सामना करेगी अगले राउंड में, राउंड 3 में टीम ASE स्पोर्ट्स का यहाँ पे सामना करना पड़ेगा इनको टीम 7 esports का, वो भी हमें खैर पता लग जाएगा आज के दिन पर कि किस तरह से